India. मुझे ये बोला गया है और मुझे बहुत डांट कर भेजा गया है कि एंकर हो पटर पटर मत करना स्टेज पर बैठकर एंकर हो सेशन का नाम देख लेना रिदम डिवाइन है जहां बात सुर की होनी है और जहां सुरों का जो सरताज है वो तुम्हारे साथ मंच पर है तो फिर इस रिदम डिवाइन सेशन की जो शुरुआत है वो लफ्जों से नहीं बल्कि लफ्जों को शुरू में पिरो कर और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो गाना पपॉन अब हमें सुनाने वाले हैं ना वो सबके दिल में उतर जाएगा पपॉन थैंक यू थैंक रोमानवरी वन फॉर सेशन लेकिन uh. ऐसी आवाज मतलब ये कुदरती है गॉड गिफ्ट है या फिर नहीं इसके पीछे बहुत रियाज मेहनत तपस्या करनी पड़ती है हाँ रियाज और डिसिप्लिन और वो सब तो ज़रूरी है कि आप जैसे चाहो वैसे गा पाओ जैसे दिल करे जैसे मन करे वैसे गा पाओ लेकिन आवाज़ तो कुदरती है यू हैव टू थैंक नेचर फॉर दैट यानी उसमें मेरा कुछ है नहीं कुछ बताइए ना अपने बारे में uh, मुझे लगता है कि शुरुआत तो जरा इससे ही कर लेनी चाहिए कि ए बी पी नेटवर्क का ये मंच है हमारा और आइडियाज ऑफ इंडिया सबमिट में जब हम बैठे हुए हैं तो आपका आइडिया ऑफ म्यूजिक क्या है इंडिया के लिए म्यूजिक को आप किस तरीके से देखते हैं क्या एज अ यूनिफायर देखते हैं या फिर एज अ मोटिवेटर एक होप के तौर पर आप देखते हैं किस तरीके से आप देखते हैं इस पर मैं आऊं लेकिन पहले ये बताइए आप कि अंगराग महंता से ये आइडिया ऑफ पापॉर्न ये कैसे हो गया पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप पेपॉन नहीं बुला रहे हैं मुझे बहुत लोग ऐसे बुलाते हैं

अच्छा नाम होगा सूर्यवंश ऐसा कुछ नाम हो घर में पप्पू या बंटी या बाल्टी या कुछ भी बुला सकते घर में तो वैसे ईस्ट में बहुत होता है तो मतलब ये पापा देवता मेरे पिताजी और घर वाले मुझे पापा बुलाते थे और ये म्यूजिक से मिलन कैसे हुआ मुलाकात कैसे हुई म्यूजिक से मेरी मुलाकात जी आपकी म्यूजिक से मुलाकात लेट हुई जो कॉन्शियसली हुआ बट सबकॉन्शियसली जो मेरे हाथ में नहीं था वो कि मेरे माँ बाप दोनों बड़े फनकार थे तो उनके घर में पैदा हुआ तो वो माहौल था म्यूजिक का तालीम हुई लेकिन मैं म्यूजिक से भाग गया था डर लग गया था बिकॉज दे देव वेरी बिग नेम्स और बहुत उम्मीदें होती है ना स्टार चाइल्ड का तो मैं म्यूजिक से मुलाकर आई थिंक मेरा आई वॉज थर्टी इज वैन आई स्टार्ट माई करियर आई थिंक आई एम थर्टी टू ना दो तो संगीत मतलब विरासत में मिला 한지. तो शुरुआत जब आपने की तो आप तेरह साल की उम्र में आप कह रहे हैं कि आपने करीब शुरुआत की है म्यूजिक की नहीं तो मतलब वो वाले फेस से गुजरे एक्चुअली इज व्हेन आई आई डिसाइडेड विल डू म्यूजिक बिकॉज़ बाकी किसी चीज में तो घर में सीखते भी नहीं थे जैसे पेरेंट्स सिंगर हैं या उस तरीके से तालीम हुई माहौल था लेकिन एज ए प्रोफेशन लूंगा मैंने नहीं सोचा था कभी ठीक है, और कभी वो वाले फेस से गुजरे जैसे फैमिलीज में होता है ना नॉर्मल की बच्चा है इतना टैलेंटेड है इतनी अच्छी आवाज तो ऐसे कोई घर में आते हैं अंकल आंटी बेटे

हिंदी मतलब उर्दू तो दूर की बात है हिंदी भी नहीं बोला जाता है घर में लाइक like मेरी मम्मी अगर खाना परोसों की तो बोलेगी बेटा थोड़ा सिली सिकन खाओ मतलब चिली चह हम बोल नहीं पाते है जरूर जिंदगी गुरूर ये सब तो दूर की बात है च भी नहीं बोलते तो चिली सिकन को सिली सिकन बोला जाता है तो फिर भी घर में एलपी रिकॉर्ड्स थे बचपन से वो बड़े ग़ुलामी ख़साब या जगजीत सिंह मेहदी हसन साहब वो सुन सुन के गज़लों का शौकीन था तो बचपन में जैसे कोई आता घर में हम बहुत छोटे थे तो मेरी बहन भी हैं तो बोल दे खड़े हो जाओ गाना गाओ हम दोनों खड़े हो गए मिल कर जुदा हुए तुम सब लोग सोचते अभी से जुदाई की बात कर रहा है बहुत बचपन से सो यूज टू सिंग वेरी सैड सॉन्ग्स एंड मॉम रियली वरीड कि इनको क्या प्रॉब्लम है ऐसा इतनी भरी गाने क्यों गा रहे इस उम्र में बट यस आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू गज़ल्स जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में तो बड़े बड़े हाई गाने होते थे अभी भी हो रहे बहुत हाई में गाना होता है और मेरा है ऐसा नीचे अजीब सा एक लो सा आवाज़ तो आते किसी ने बोला था आप ना हरिहरन की तरह सुनाई देते <laughs> मैं, मैं बोला वो तो भगवान है ऑलमोस्ट तो मैं तो अभी भी आया हूँ बहुत छोटा हूँ इतना अभी से नीचे क्यों हैवी करा रहे हैं बट येस आई वॉज़ अनफिट फॉर यू नो हीरो ऑफ़ दैट टाइम इन ए फिल्म तो लोगों को नहीं पता था कहाँ ये आवाज़ जाएगी सो so, ऐसा इस गाने के बाद मुझे तीन साल तक कोई गाना नहीं आया था एक्चुअली मुझे लगा खराब हुआ कि अच्छा तो so, डाउट होता था मतलब हाँ हाँ हा, डाउट नहीं था क्योंकि मेरा कोई बॉलीवुड ड्रीम ही नहीं था ओके okay. सो so, एक तो मुझे गाना ही नहीं गाना था फिर मैंने सोचा कुछ और काम नहीं हो रहा तो गाना ही गा लेता हूँ फिर गाना गाना शुरू किया दिल्ली में था वेन आई डिसाइडेड सो मुझे लगा फिर कि ठीक है बॉलीवुड का ये गाना हो गया तो शायद और गाने आ जाएंगे पर फिर नहीं आया बहुत दिनों तक और फिर लगा ठीक है कोई नहीं अपना काम करते रहते हैं आई आई हैड आईड इंडी बैंड एंड आई मेकिंग म्यूजिक एंड ट्रैवलिंग द वर्ल्ड एंड डूइंग माय ओन स्टफ बट वो जो कमजोरी थी या लिमिटेशन था मेरी आवाज़ की अब उसको करते करते वहाँ पहुँच गया हूँ बिकॉज आई थिंक वन यू दिस इज़ अ लेसन आई लर्न एंड यंग वंस कैन लर्न की अब जिसमें अच्छे हो उसमें लगे रहोगे ना तो वो जगह सिर्फ आपकी बन जाएगी और कोई नहीं ले पाएगा और वो मेरा आज हो गया है कि इस आवाज़ की और जगह शायद कम है और शायद इसीलिए मुझे ऐसे गाने मिलते हैं तो अपनी काबिलियत की पहचान कीजिए और अपनी काबिलियत की पहचान जब आप कर लेना तो उसकी कदर सबसे पहले आपको खुद करनी होगी तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर जो इस वक्त पापॉन हमें दे रहे हैं अच्छा मुझे बताइए आप आर्किटेक्चर पढ़ने तो गए थे दिल्ली फिर बीच में क्यों छोड़ दिया मतलब पढ़ाई लिखाई में <laughs> <laughs> आई वॉज़ अ पेंटर चाइल्ड हुड में स्केच करता था पेंटिंग करता था तो उसी से मुझे लगा कि साइंस एंड आर्ट का बीच का रास्ता है जगह है आर्किटेक्चर करने लगा तो फिर पता नहीं लगा कि यार यहाँ तो जो सोचा वो नहीं होगा ये करते करते निकल जाएगा ज़िंदगी बक्स बॉक्स बनाते बनाते तो फिर किसी ने मुझे एहसास दिलाया कि तेरी आवाज़ अच्छी है मैं दिल्ली में था पढ़ रहा था एंड That's when when people told me that I'm good without knowing my parents' background, which was in Assam. Me, gata tha. Koi bolta tha, "Ah, gai uska You know, the Delhi me, got me, gave me that confidence that I can stand alone and I'm good enough. And that is how East India Company Band happened. Yes, kind of. so… It happened in Delhi itself. In Delhi, so I got some friends from young boys from Assam, and we got East Indian folk, and we thought we'll travel the world with East Indian folk, fused with modern sounds. And like East India Company is that English company who invaded us, right? So we said we'll invade. Like we're young, very enthused, and we said we'll invade the world with love and music, you know. <laughs> <laughs> Back from the east to the world, you know. That was the whole concept. <laughs> <laughs> Surajupta is. <hai>, Puraap se. We will bring a se Very nice, very nice. nito I think so कि अब हम लोग और इंतजार नहीं कर सकते हैं वो जरा सा folk fusion वाला jo आपका अंदाज़ है अब वो हो ही

यू नो ई ड्रिंक एंड लर्न म्यूजिक एंड कल्चर वेर एवर आई गो एंड आई डू मैं होली भी इस बार में कुमाओं में गया था एक गाँव में होली खेलने होली तो खेला नहीं कुछ खास लेकिन गाँव वालों के साथ बैठ के उनका म्यूजिक सुना बैठा आग से कहा और मजा आया सो दिस जर्नी आई हैव सीन माई डैड वॉज अ एक्सपोन ऑफ फोक एंड उनसे मैंने सीखा कि हाउ डाइवर्स इंडिया इज ऑफ बिलीफ एंड ऑफ लैंग्वेज एंड यू नो एवरी थी एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटीज बट हाउ सिमिलर वी आर ऑल्सो तो ये फोक में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको गिटार से ये हो सकता है सो आई सिंग समथिंग फ्रॉम कुमाऊ यू नो कुमाऊ वेर इट इज राइट उत्तराखंड का एक हिस्सा है कुमाऊ और एक है आसाम जो जोग्राफिकली बहुत दूर है दो अलग अलग जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ये मेलेडीज मिलता है मुझे लगता है कितने सेम स्टोरीज है एंड कितने दूर है लेकिन कितना सिमिलर है सो दिस इज़ हाउ कुमाऊ सॉन्ग इज़ एंड द द डॉटर इज़ टेलिंग द फादर दैट मुझे ना नीचे तराई में शादी मत कराना वो अमीर लड़के से बहुत गर्मी है मैं हाथ हाथ से मेरा वो तो दातुली है निकल जाएगी आई एम हैप्पी पुअर इन दिल्स एंड मुझे यही रहने देना दट दॉन्ग ब्यूटीफुल सॉन्ग हूँ कुमाऊनी सॉन्ग मेरा डिक्शन वगैरह खराब हो सकता है बिकॉज मेरा भाषा नहीं है बट मैं बस आपको वो एहसास दिला रहा हूँ फोक का ঝন্দিয়া বোঝু ছা বিলোরি লগলা বিলোরিঘিয়া বোঝ ছিলো লগলা বিলোরিঘ হাতে কী তুলি হাতে মরি

ja baila bala kholunga bala tabaru manane banane la in bagaruwa hai bagaruwa this is bodo from assam and chandi boju lagla bilore ko अनबिलीबल एब्सल्यूटली मतलब वो जो हम पढ़ते आए हैं हम सब जानते हैं ना वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेरे ख्याल से जो बात हम कर रहे थे शुरू में कि जो संगीत है ना भाषा की जरूरत है ना किसी अल्फाज की जरूरत है और कैसे संगीत हिंदुस्तान को जोड़ रहा है बेसिकली दैट इज दइडिया ऑफ इंडिया आपके हिसाब से संगीत एज ए यूनिफायर कभी कभी मैं गुलजार साहब के साथ आज किस्मत है कि मिल आजकल मिलता हूँ बैठते हैं कभी कभी बातें होती है तो वही लकीरें जो खींची थी मैंने एक गाना गाया था उन्होंने बोला लकीरें है रहने दो किसने खींची होगी तो ये जो माई फादर टू टेल मी दैट कि बोली भाषा रहन सहन खाना पीना इट ब्लेंड्स फ्रॉम वन एवरी हंड्रेड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स इट चेंजेस लाइन तो हमने खींच दी कि यहाँ से यूपी हो गया यहाँ से बिहार यहाँ से इंडिया यहाँ से नेपाल लेकिन कल्चर ऐसे नहीं होता कल्चर वो बॉर्डर पे नहीं ख़त्म होता है वो स्लोली ब्लेंड होता है और सब हमारी कहानी है सबके दिल है सबके मोहब्बत है विरह है सेम इमोशंस है, तो आई थिंक म्यूजिक इज़ द ओनली थिंग विच इज़ अबाव एवरी थिंग एंड आर्ट एंड म्यूजिक सो वो है पहचान आ, आपने लकीरें का जिक्र किया है मैं मैं नहीं जानती हूँ कि कौनी? इस वक्त आप <laughs> आप लकीरें गा पाएंगे या नहीं हमारे लिए नहीं, मैं भूल गया हाँ मैं मैं इसीलिए लकीरों पर नहीं आना चाह रही थी लेकिन बाकी में वो बहुत खूबसूरत है और यहाँ जो ऑडियंस में मौजूद हैं लोग मैं नहीं जानती हूँ आप में से कितों ने लकीरें सुनी होंगी लेकिन प्लीज़ उस गाने को ज़रूर सुनिएगा उस गाने को ज़रूर सुनिएगा लकीरें जो पापॉन ने गाया है दिल को छू जाएगा वो गाना और आपको समझाएगा किस तरीके से मानवता के लिहाज से लकीरें जो खींच दी गई हैं उनको अगर आप भले ही न लाघो तो किस तरीके से उन्हें आप रहते हुए भी कम कर सकते हो फ़ासलों को आप मिटा सकते हो आइडियाज़ ऑफ इंडिया सब पर पपॉन जब आपके साथ हों उनको आप शुक्रिया कैसे कहें धन्यवाद कैसे कहें थैंक यू कैसे बोलें बहुत मुश्किल काम है लेकिन फिर भी कहना पड़ेगा क्योंकि वक्त गवारा नहीं कर रहा है कि हम इस बातचीत को और आगे बढ़ाएं लेकिन चलते चलते एक सवाल और है कि आजकल का जो म्यूज़िक है खासतौर से सोशल मीडिया का ये जो अब दौर आ गया है क्योंकि आपने शायद जब म्यूज़िक की शुरुआत की थी तो प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क्स थे जो आ रहे थे आज सोशल मीडिया आ चुका है तो क्या एक गायक के लिए एक इंस्पायरिंग सिंगर के लिए आसान हो गया या मुश्किल हो गया ये दौर एक्चुअली तो अच्छा है क्योंकि इट्स इट्स अ वे यू कैन रीच टू द वर्ल्ड घर बैठ के आप अपना जो भी है दिखा सकते हैं दुनिया को अच्छा हुआ तो निकल जाएगा पहले तो प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत थी तो ये बहुत अच्छा हुआ है इट्स ए पावरफुल मीडियम एंड पिछले दो साल में मैंने देखा है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक एंड घर बैठ बैठ के बहुत अच्छे म्यूजिशियंस ने अपना म्यूज़िक यू नो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर पाए हैं लोगों तक तो पहुँचा पाए उसमें ये भी प्रॉब्लम है कि इतना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है इज़ अ क्लाटर द इज़ ए खो गया इंसान क्योंकि वो पंद्रह सेकेंड में बीस सेकेंड में सब कुछ कहना चाह रहा है तो वो भी है कन्फ्यूजन है बट या इट्स डेफिनेटली ए पावरफुल टूल इंटरनेट नाउ आई थिंक दैट्स द फ्यूचर एनी Uh, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार सोशल मीडिया में एक वन सॉन्ग वंडर वाली चीज़ भी निकल कर आती है कि कोई एक गाना वो ज़बरदस्त तरीके से हिट हो गया लेकिन उसके बाद कहाँ गया वो सिंगर किसी को पता नहीं है तो ए, जो आपकी एक लॉन्गविटी है ये उस पर असर करता है अब आजकल जो गाने हिट हो रहे हैं कच्चा बादाम बचपन का प्यार सुना है आपने आ, मैंने बहुत कम सुना है गाने कम सुनता हूँ लेकिन हाँ कच्चा बादाम कहीं ना कहीं तो सुना है कैसा लगा

जो अच्छा है वो रह जाएगा जो कचरा है वो हट जाएगा आई थिंक आई बिलीव इन दैट टाइम विल टेल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपका